नमस्कार दोस्तों, साल हो जाएगा किचन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं मक्के की राबड़ी। एक राजस्थानी रेसिपी है और ये सर्दियों में गरम गरम खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें मक्के की राबड़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने आधा लीटर छाछ ले लिया है, आधा कटोरी मक्के का आटा और ये नमक, जीरा, ये जीरा हम इसमें तड़का लगाएंगे, हींग और घी, इनका हम इसमें राबड़ी में तड़का लगाएंगे और शक्कर। तो आप पहले इस छाछ को टेस्ट कर लीजिए कि कितना खट्टा है। अगर ज़्यादा खट्टा होए तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, कम खट्टा हो तो थोड़ा कम पानी डालिएगा। अभी हम इसमें एक गिलास पानी डाल रहे हैं, देखिए इसमें हमने एक गिलास पानी डाल दिया क्योंकि ये मेरी छाछ थोड़ी कम खट्टी है, इसलिए हमने इसमें सिर्फ एक गिलास पानी डाला है। और ये आधा कटोरी मक्के का आटा, ये सबको हम इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसको गैस पे पकने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें चलाएंगे और चलाते हुए इसमें उबाल आने देंगे। देखिए अब इसमें एक उबाल आ गया है। अब हम गैस को धीमा कर देंगे और हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर देंगे। अब इसको हम गैस धीमा करके धीमी आंच पे ही पकने देंगे। देखिए देखिए इसको बीच बीच में चलाते जाइए। देखिए इसको बीच बीच में आप चलाते जाइए और धीमी आंच पे पकने दीजिए ऐसे। देखिए अभी राबड़ी पक चुकी है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे, हम इसमें शक्कर डालेंगे। ये चार बड़े चम्मच शक्कर डाल दिया हमने। अब शक्कर को भी साथ में इसमें पका लेते हैं। ये खट्टी मीठी राबड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको गरम गरम पीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको हम शक्कर घुलने तक और पकाएंगे। ये देखिए अब हमने इसको शक्कर के साथ में 2 मिनट और पका लिया है। आप नमक और शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो इसमें थोड़ा ज़्यादा शक्कर और डाल सकते हैं, और अगर आपको शक्कर नहीं पसंद है तो आप खाली नमक के साथ भी इसको बना सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। चलिए अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। एक करछल लेंगे या आपके पास कोई भी तड़का पैन हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और इसमें घी डालेंगे। इसमें हम ये घी डालेंगे और गैस गरम करेंगे। पहले हम इसको घी को गरम करेंगे। देखिए घी गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। देखिए अभी जीरा को अच्छे से तड़क जाने देंगे। देखिए जीरा तड़क गया है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसको अपनी राबड़ी में डाल के तड़का लगा देते हैं। देखिए इसको हम अपनी राबड़ी में ऐड कर देंगे। देखिए ये ऐसे कैसे पूरा करके राबड़ी में डाल देंगे। देखिए बनके तैयार है हमारी राबड़ी। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। एक सर्विंग बाउल ले लीजिए और इसमें ये राबड़ी को निकाल लीजिए। राबड़ी गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है। इसको आप गरम गरम पीजिए तो ही इसका स्वाद आता है।
और इसमें ये घी के तड़के की तो खुशबू ही बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए तैयार है हमारी राबड़ी, देखिए देखिए कितनी अच्छी राबड़ी बनी है। ये देखिए, आप इसको और गाढ़ा चाहें तो और गाढ़ा कर सकते हैं, गाढ़ा पतला आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए।